बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। भजन चार साज समा अथम नवा देह दंबूरो भाया। साज समा अथम नवा देह दंबूरो भाया। गुरब किल्यूं कपाट हणी सूरन कया साट खणी। गुरब किल्यूं कपाट हणी बिरह जीवे वाट वणी। बिरह जीवे वाट वणी। गुण गोविंद जागाया। साज सवा अथम नवा देह दबूरो भाया। दारू रगन जू तकड़ियों जान अंदर में जकड़ियों। दारू रगुन जो तकड़ियों जान अंदर में जकड़ियों। प्रेम पके में पकड़ियों। प्रेम पके में पकड़ियों। पेच पिरन सा पाया। साज सवा नवा देह दबूरो भाया। साज वगो सुरवारो सब साजन खान्यारो। साज वगो सुरवारो सब साजन खान्यारो। प्राणन खासो प्यारो। बुधम साज जगी सतगुर जे वाट लगी। बुधम साज जगी सतगुर जे वाट लगी। वहदत जी तार वगी। वहदत जी तार वगी। मस्तुनिया ते आया। साज सवा अथम नवा देह दबूरो भाया। देह दबूरो भाया। राग लोड़ाऊ भजन चार साज समा अथम नवा देह दंबूरो भाया। लोड़ाऊ राग के इस भजन में गुरु महाराज जी बहुत ही रहस्य से भरी
इस शरीर की महिमा का बखान करते हैं। ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और इस शरीर को उन्होंने साज का नाम दिया है। जिस प्रकार से साज से सुंदर आवाज निकालना, वो साज बजाने वाले के हाथ में है। सुर में बजाए या बेसुरा बजाए, ये बजाने वाले पे निर्भर है। उसी प्रकार से ये शरीर रूपी साज है, देह दम्बूरो भाया। जिस प्रकार से तंबूरा साज होता है, उसमें से मधुर आवाज निकलती है, तो ये शरीर रूपी तंबूरा ये भी साज है। इसमें से उस गुरु महाराज के मंत्र को जप के वो अंतर में सुमरण करके इसमें से भी मधुर आवाज निकाली जा सकती है। ये साज नया साज है। शरीर बचपन और जवानी में ताजगी से भरा हुआ है। इसमें गुरु मंत्र का जाप करके इस शरीर रूपी साज से सुमधुर संगीत निकलती है। जिस प्रकार से तंबूरे के साज में कील से तारे कसी हुई रहती है, उसी प्रकार से कुर्ब किलियों, कुर्ब माना प्रेम, प्रेम रूपी कील है, कपाट हणी और उस पे ये सुंदर तारे कसी हुई है। सुरत कया सूरन कया साठ खणी, सूरन कया साठ खणी, अर्थात उसमें विरह का राग प्रभु मिलन से अंतर में जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो राग बजता है, उसके साठ माना सुगुण होते हैं। तो इस सुंदर शरीर में जो भी परमात्मा ने ईश्वर की कृपा से शरीर की प्राप्ति हुई है, इसको अगर ईश्वर परमात्मा की तरफ मन बुद्धि को लगाया जाए तो इसमें से सुंदर सुमधुर संगीत निकलेगी। विरह जी वही वाट वणी, विरह की व्याकुलता, उस प्रियतम से मिलने की व्याकुलता, उसका मार्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन के अंदर हमेशा ही मिलने की प्यास रहे। गुण गोविंद जागाया, परमात्मा के गुणगान करके मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं। तारू रगुन जू तकड़ियों, रग माना नस, प्रत्येक नस नस से उस नाम का सुमरण होता रहे। जिस प्रकार से साज में तारे कसी हुई है, उसी प्रकार से इस शरीर में अनंत नसें हैं। नस नस में नाम का सुमरण अंतर में प्रविष्ट हो जाए। जान अंदर में जकड़ियों, तो अंतर की मेरी मन वृत्ति उस प्रभु परमात्मा से लग जाए, अंतरात्मा से भजन होता रहे। प्रेम पके में पकड़ियों, पेच प्रियन सा पाया, सच्चा प्रेम जो निश्चल प्रेम है और निर्मल प्रेम है, परमात्मा से वो प्रेम लगा के पेच प्रियन सा पाया, उनसे मैं अपना नाता जोड़ूं और नाता जोड़ने के बाद नाता निभाऊं। साज वगो सुरवारो, सब साजन खा न्यारो, अंतर में जो साज बजा, अनहद नाद का श्रवण हुआ, अंदर में नित बजे थो, सो हम जो गए भी गानो, बुध कन दई तू बोड़ा, कुदरत जो ही तरानो। अंतर में वो साज बज रहा है निरंतर, लेकिन मन की वृत्ति एकाग्र करके उस अनहद नाद का श्रवण करके नाम के साथ मन को जोड़ के उस सुंदर साज को सुनो। सबनी साजन खा न्यारो, प्राणन खा सो प्यारो, नीह तही सा लाया, वो प्राणों से भी प्रिय साज है, उसी के साथ मेरे मन की वृत्ति जुड़े, अंतर का प्रेम उसके साथ जुड़े। टेऊ बुधम साज जगी, निद्रा का त्याग करके, शरीर की निद्रा का भी त्याग और मन से जो अज्ञान की अविद्या की निद्रा है
उसका भी त्याग करके उस सुंदर साज को मैंने सुना। सतगुरु जे वाट लगी, गुरुदेव के द्वारा बताए गए उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग से उस सुंदर साज को सुना। वैदत जी तार वगी मस्त उन्हीं में आया। उस प्रियतम से मिलने की इच्छा लगन मन में जागी। वैदत जी तार वगी अंतर में उस प्रेमी से प्रियतम से मिलने की तार जगी लगी। मस्त नियते आया। उस सुंदर साज को सुन के मेरा तन मन भूल गया, मैं उसी में मस्त हूँ। तो ये वास्तव में गुरु महाराज जी ने भी अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाया है, बुद्ध बोड़ा तू कन दे दम बोले बोली के ही। श्वासों के साथ गुरुमंत्र का जाप करने से उस अनहद नाद को श्रवण करके जीव अमर तत्व को प्राप्त करता है। उसी की तरफ इस भजन में गुरु महाराज जी संकेत कर रहे हैं। अमरापुर वाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम
अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषिणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।